नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। अयोध्या मामले में जल्द ही फैसला आने वाला है। शांति भंग ना हो इसी को लेकर दोनों समुदाय द्वारा लगातार बैठकें की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने की अपील लोगों से लगातार की जा रही है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद में जल्द ही फैसला आने वाला है, जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जगह जगह चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। उसी तर्ज पर बांदा जनपद में भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा शहर की ईदगाह में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के सभी लोग शामिल हुए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक व क्षेत्र अधिकारी भी मौजूद रहे। मुस्लिम समुदाय के शहर काजी के द्वारा भाषण के दौरान इस बैठक में एक सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले का स्वागत करने की बात कही गई, चाहे फिर वो किसी के भी पक्ष में हो। इस बैठक में कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं, चाहे फिर वो किसी भी पक्ष का हो, क्योंकि हमारा मानना है कि जिस तरह से आज तक हम लोगों के बीच धार्मिक सौहार्द बना रहा है, हमेशा इसी प्रकार से ही बना रहे, इसका प्रयास हम लोग भरपूर करेंगे। बाबरी मस्जिद राम जन्म मामले में फैसला होने वाला है, तो उसी के संवाद के लिए कप्तान साहब आए थे कि ताकि जो गंगा जमुनी तहजीब बांदा शहर में रही है आगे कायम रहे। तो यहाँ बांदा में कोई ऐसी बात नहीं है, और गंगा जमुनी तहजीब जो रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर रहते रहे, आपसी भाईचारा रहा है, वो कायम रहेगा और सब लोग मिलकर के रहेंगे, फैसले को कबूल करेंगे जो भी करेंगे। और गाँव गाँव में और हर मोहल्ले वाइज भी पहुँच रहे हैं, और हिंदू मुसलमान को जोड़ के अमन और शांति और कानून की मदद की जो बात करें वो बड़ा ही सराहनीय है। और जहाँ तक रहेगी बात, ये बात हकीकत है कि आने वाला दिन 15 नवंबर जहाँ फैसला होना है बाबरी मस्जिद का, उसमें जो भी फैसला होगा दोनों पक्ष को मानना चाहिए और अमन शांति पूरे हिंदुस्तान में क्या बांधा और हर जगह बनाए रखना चाहिए। संवाद था, ये ध्यान दिया गया कि जो मौजूदा हालात हैं कैसे बेहतर हो, और जो माननीय न्यायालय का फैसला आने वाला है उसको लेके हमारे लोगों से बात हुई है। हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है कि लोगों ने स्वयं बताया कि हम कानून का पालन करेंगे, उन्होंने पुलिस को भरोसा दिलाया है। वहीं जल्द आने वाले अयोध्या फैसले को देखते हुए समाजवादी पार्टी द्वारा भी एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय से लोग शामिल हुए। अयोध्या विवाद को लेकर फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले कभी भी फैसला सुना सकता है। फैसले की घड़ी को नजदीक आते देख अयोध्या में हलचल तेज हो गई है। वहीं अयोध्या विवाद के संभावित फैसले को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक सौहार्द की सराहनीय पहल की मिसाल दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों की पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने बैठक बुलाई। इस बैठक में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि अयोध्या फैजाबाद हमारी धरती है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर जन्म लिया, इस धरती को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। देखिए, आज जो है यहाँ जो है माननीय तेज नारायण जी मंत्री जी, इन्होंने बुलाया है पूरे जो है फैजाबाद की पब्लिक यहाँ है। इधर मुसलमान भी है, ठाकुर भी है, पंडित भी है, मुसलमान भी है। तो यहाँ एक हम लोग संदेश देने के लिए लोगों को बुलाया गया है। आपस में इसलिए बुलाया गया है कि जो भी जो फैसला कोर्ट करेगा उसको भी हम मानेंगे, और अमन का एक संदेश भी देंगे कि अयोध्या में क्या होने वाला है। लोग कोई जो है ऐसी टिप्पणी ना करें, किसी को हीला वाली ऐसी बात ना कहें जिससे हिंदू मुसलमानों का कोई नफरत पैदा हो। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अयोध्या फैजाबाद के सभी सम्मानित, हमारे चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों चाहे हिंदू समाज के लोग हों, सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। चूँकि अयोध्या फैजाबाद हमारी धरती है, ये हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे पुरखों की धरती है। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर जन्म लिया है। इस धरती को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज यहाँ पर निजाम अशरफ साहब, डॉक्टर गनी साहब, शुएब भाई, हलीम भाई, इकबाल अंसारी साहब, दान बहादुर सिंह जी, सारे हमारे जो बुज़ुर्ग और बड़े लोग हैं सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम लोगों ने आज इस बात का संदेश दिया है कि ये अयोध्या फैजाबाद हिंदू मुस्लिम एकता की धरती है। वहीं अयोध्या में आने वाले फैसले को देखते हुए एडीजी द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार एडीजी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है।
अयोध्या विवाद को लेकर फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है, जिसके चलते प्रदेश सरकार के सामने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी कड़ी में अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एडीजी कानून व्यवस्था पीवी राम शास्त्री ने श्री राम लल्ला हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही पुलिस लाइन में अयोध्या देवीपाटन मंडल और बस्ती मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें अयोध्या की सुरक्षा को लेकर खाका तैयार किया गया। एडीजी कानून व्यवस्था पीवी राम शास्त्री ने कहा कि अयोध्या में 365 दिन कड़ी सुरक्षा रहती है, ऐसे में संभावित फैसले को लेकर यहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है। पीएसी सीआरपीएफ अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। माहौल शांत रहे इसीलिए पीस कमेटी की बैठक की जा रही है। संभावित फैसले को लेकर किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं। अयोध्या जनपद के पुलिस ऑफिसर्स और बॉर्डर के जिलों के एसपीस और इसके उपरांत मंडलीय कमिश्नर महोदय और डीएम साहब के साथ एक हमने लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू मीटिंग किया है, और जिसमें लॉ एंड ऑर्डर और लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी के संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। कई प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वैसे भी आपको यह देखने को मिलेगा हमेशा 365 दिन सिक्योरिटी का व्यवस्था बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर होता ही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, जल्द ही अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, इसे देखते हुए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, इसको देखते हुए अयोध्या में पूरी तरीके से जो है शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी मामले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एडीजी कानून व्यवस्था पीबी राम शास्त्री अयोध्या पहुंचे हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले रामलला और हनुमानगढ़ी जाकर जो है वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उसके बाद जो है उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, और इस सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इसमें जिला प्रशासन ने जैसे मंडल हुआ, अयोध्या हुआ और देवीपाटन हुआ, यहाँ के जिला प्रशासन फोर्स अधिकारियों को भी लगाया गया है। उनके साथ उन्होंने करीब एक घंटा जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा पर चर्चा की, और इस मामले में ये जो है डिसाइड किया गया कि एक मैसेज दिया गया जनता को कि इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अगर कोई आपको बहकाता है या फुसलाता है या किसी प्रकार का कोई दहशत फैलाना चाहता है तो उसकी सूचना जो है आप पुलिस प्रशासन को दे सकते हैं। जी मनोज, वही पॉलिथीन पर बैन लग चुका है, ऐसे में अयोध्या आने वाले श्रद्धालु प्रसाद नहीं चढ़ा पा रहे हैं क्योंकि पॉलिथीन में ही ये प्रसाद मंदिरों तक जाया करता था, ऐसे में क्या प्रशासन द्वारा कोई और व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि श्रद्धालु आराम से भगवान को यहाँ प्रसाद चढ़ा सके? जी बिल्कुल, इसमें जो है पहले तो जो है पॉलिथीन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था कि इसमें जो राम भक्त है, जो श्रद्धालु है, अगर वो रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं तो उसमें पॉलिथीन में प्रसाद लेकर नहीं जा सकते थे। इस मामले को लेकर जो है बात जो है सरकार के समक्ष रखी गई, तो सरकार ने इस मामले पर एक्शन लिया और उन्होंने कहा ऐसा है कि अगर कोई भी श्रद्धालु या भक्त रामलला का दर्शन करना चाहता है तो प्रसाद लेकर जा सकता है, तो उसके जगह पर पॉलिथीन की जगह पर उन्होंने जो है ये क्या कहते हैं कपड़े का एक थैला है जो पारदर्शी है, ये देखा जा सकता है कि प्रसाद के अंदर कोई ऐसी सामग्री या कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं रखी गई है, उसका जो है मतलब प्रतिबंध कर दिया है, जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया गया। मतलब कि कहने के हुआ कि अब आप अगर हनुमानगढ़ी का दर्शन करना चाहते हैं तो प्रसाद लेकर जाएं, लेकिन प्रसाद जो लेकर जा रहे हैं पॉलिथीन की जगह उसमें कपड़े का थैले का प्रबंध किया गया, उसमें आप ले जा सकते हैं। मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या मामले में जल्द ही फैसला आने वाला है, सुरक्षा व्यवस्था इसी को देखते हुए कड़ी कर दी गई है। अब खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं झांसी की, जहां नेटवर्क हैक कर एक गाड़ी को चोर लेकर फरार हो गए। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर से तड़के बदमाश एक महंगी कार का नेटवर्क हैक कर उसे चुरा ले गए। घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सभी चोर महंगी लग्जरी कार क्रेटा में सवार होकर आए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी है। झांसी के शिवाजी नगर निवासी रामजी परिहार ने 2 महीने पहले 34 लाख से अधिक कीमत की फॉर्चुनर गाड़ी खरीदी थी।
गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। गाड़ी पूरी तरह से अत्याधुनिक थी, बिना चाबी के ही गाड़ी का संचालन होता था, मगर बुधवार की सुबह का असबाब बदमाश आए और उन्होंने लैपटॉप की मदद से गाड़ी के सिस्टम को हैक कर लिया, जिसके बाद बदमाश गाड़ी को लेकर फरार हो गए। सुबह जब हम पिताजी हमारे उठे यहाँ पर, तो देखा बाहर घर के बाहर फॉर्चुनर खड़ी रहती है, तो देखा वहाँ फॉर्चुनर नहीं थी, तो उन्होंने हमें बताया और हमने तुरंत 100 नंबर पर डायल करके सूचना दे दी कि भाई हमारी फॉर्चुनर यहाँ से नहीं है। फिर अभी सारे जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं हम लोग, उससे ये मालूम पड़ रहा है कि एक क्रेटा गाड़ी से वो लोग 3:50 पे आए हैं इस गली में, और उसके बाद में 4:12 या 15 पे फिर से गाड़ी आई, और मैं 15 यहां खड़े होके और उन्होंने गाड़ी को खोला है, 3-4 लोग थे। अभी जानकारी मिली ये शिवाजी नगर क्षेत्र में एक परिहार साहब थे, अपनी गाड़ी घर के बाहर खड़ी किए थे रात में, उसकी चोरी हो गई है। जो भी सूचना मिली इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, विवेचना प्रचलित है, रिकवरी का प्रयास जारी है। अब बात करते हैं रामपुर की, जहां मौसा के साथ मेला देखने गए बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में 3 अलग अलग थाना क्षेत्र से बरामद किए गए। आपको बता दें कि इनमें से एक बच्चा खून से लथपथ हालत में मिला। यूपी के रामपुर जिले से दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां थाना खजूरिया क्षेत्र से 3 बच्चों को बहला फुसला कर बच्चों का मौसा उन्हें अपने साथ ले गया। उसके बाद जहां थाना खजूरिया क्षेत्र से 3 बच्चों को बहला फुसला कर उनका मौसा अपने साथ ले गया। आपको बता दें कि आरोपी ने एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद एक बच्चा खून से लथपथ हालत में मिला, वहीं बाकी 2 बच्चियां अलग अलग थाना क्षेत्र में मिली। सीओसीडी के मुताबिक थाना खजूरिया में अजय नामक के बच्चों का मौसा उन्हें मेला दिखाने के बहाने ले गया, लेकिन बच्चे घर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो एक 6 साल की बच्ची थाना शहजाद नगर क्षेत्र से मिली, जबकि 8 साल की टांडा क्षेत्र में मिली। वहीं उनका 9 साल का भाई खून में लथपथ गंभीर हालत में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मिला, जिसके शरीर पर कई घाव है। इन सभी का मेडिकल करवाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि 3 बच्चों के साथ क्या अनहोनी हुई है, आखिर 3 कैसे अलग अलग थाना क्षेत्र में मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के साथ कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली थी। बहरहाल 3 बच्चे अस्पताल में हैं और जांच जारी है। खजूरिया गांव में खजूरिया थाना पड़ता है, वहाँ से अजय अपने ये मौसा है लड़की लोगों का, बच्चों का, एक का मौसा है एक का मामा लगता है, ये लेकर 3 बच्चों को मेला दिखाने के लिए लाया था, मोटरसाइकिल करके लाया था। तो एक बच्ची 7 साल की है, सरदार नगर क्षेत्र में मिली है थाना क्षेत्र में, एक बच्ची हमारे टाणा क्षेत्र में मिली है, और एक बच्चा जो है सिविल लाइन थाने में मिला है। सिविल लाइन थाने में जो बच्चा मिला उसे कुछ घाव भी लगे हुए हैं पेट पर, किस तरह है चाकू, कुछ इंसान है चाकू, मेडिकल परीक्षा उसका हो रहा है। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।